नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अंशुमान पांडे चैनल में स्वागत है। एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए इस चैनल में क्लास टेंथ का, ध्यान दीजिए, क्लास टेंथ यूपी बोर्ड का लेटर टू गार्ड का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग आप करस्पॉन्डेंस, एक पत्र व्यवहार का प्रारंभ करते हुए, एक पत्र व्यवहार का प्रारंभ करते हुए विथ गार्ड मीन्स भगवान के साथ, भगवान के साथ एक पत्र व्यवहार का प्रारंभ करते हुए, सो मीन्स इसलिए, इन आर्डर नॉट टू सेक, जिससे उसका विश्वास समाप्त न हो, जिससे विश्वास न समाप्त हो, द राइटर्स में इस लेखक का, इन गार्ड मीन्स भगवान से, इन आर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गार्ड, जिससे कि लेखक का विश्वास भगवान से समाप्त न हो, द पोस्टमास्टर, यह पोस्टमास्टर केम अप ऊपर आया विथ एन आइडिया, एक विचार के साथ, आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देने के लिए, इस पत्र का जवाब देने के लिए यह पोस्टमास्टर ऊपर आया, बट व्हेन, लेकिन जब ही ओपेंड इट, उसने इसे खोला, जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर मीन्स जवाब के लिए, इट मीन्स इसके, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर, यह स्पष्ट था कि उसे स्याही, सद्भावना और कागज़ की अपेक्षा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यह स्पष्ट था कि जवाब, इसके जवाब के लिए ये सद्भावना, स्याही और कागज़ की अपेक्षा किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। आगे देखते हैं हम सभी लोग, बट ही स्टक, लेकिन वह फंस गया, ट्रू हिज रिसोल्यूशन, अपने निश्चय में, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज इम्प्लाइज, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने कुछ रुपए धन मांगा, फ्रॉम हिज इम्प्लाइज, अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ गेव, वह स्वयं दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का भाग, अपने वेतन का भी हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कई मित्र, आप हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव, और अपने कई मित्रों से जो कि ओब्लाइज, कृतज्ञ थे, एहसानमंद थे, टू गिव मीन्स देने के लिए, समथिंग मीन्स कोई चीज़, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स दान के कार्य के रूप में, यानी कि उसने अपने कर्मचारियों से भी कुछ पैसे मांगे, चंदा इकट्ठा किया, अपने सैलरी का भी कुछ भाग दिया, और अपने कई मित्रों से भी जो है, जो उसके एहसानमंद थे, दान के रूप में कुछ धन उनसे लिया। फिर आगे देखिए क्या होता है, फिर अब यहाँ से देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा कर पाना, टू गैदर में से एक साथ, द 100 पेसोस में से 100 पेसोस, उसके लिए 100 पेसोस एक साथ इकट्ठा कर पाना असंभव था, नामुमकिन था, सो में से इसलिए, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह इस किसान को, द फार्मर मीन्स इस किसान को, ही वॉज एबल मीन्स वह योग्य था, टू सेंड मीन्स भेजने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा, ही पुट उसने रखा, द मनी मीन्स इस, इन रुपयों को, इन एन इनवेलप मीन्स एक लिफाफे में, उसने इन रुपयों को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो को संबोधित किया, एंड विथ इट, और इसके साथ, ए लिटिल कंटेनिंग, और एक छोटा रखते हुए, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, यहाँ से फिर से देख लीजिए आप सभी लोग कि उसने इन धन को एक लिफाफे में लेंचो के पते पर रखा, और उसमें एक पत्र भी रखा जिसमें मात्र एक शब्द लिखा था, वो भी हस्ताक्षर के रूप में, गॉड लिखा था, रखा। आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, जैसे प्रायः पूछने के लिए आया करता था, उससे थोड़ा पहले आ गया, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था, इट वॉज द पोस्टमैन, या पोस्टमैन था हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड, जिसने प्रदान किया, द लेटर, इस पत्र को, टू हिम, मीन्स उसे, या स्वयं पोस्टमैन था, यानी डाकिया था, जिसने उसके पत्र को उसे प्रदान किया, वाइल, जबकि, द पोस्टमास्टर, या पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट, में संतुष्टि को, आप ए मैन, मीन्स एक आदमी के, हु हैज परफॉर्म्ड, मीन्स जिसने निभाया था, अ गुड डीड, मीन्स एक अच्छा कार्य, लुक्ड, मीन्स देखा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, मीन्स अपने ऑफिस में से। तो आप सभी लोग फिर से ध्यान दे दीजिए, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लाइन चुके हैं, मैं अभी टर लिया, लाइन चो थोड़ा पहले आ गया था, एन यूजुअल टू आस्क, जैसे पहले आया करता था पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था, इट वाज द पोस्टमैन, या पोस्टमैन था हिमसेल्फ, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र को दे दिया, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग, मीन्स अनुभव करते हुए,
एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव करते हुए, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि का आप मैन मीन्स एक आदमी के हु आज परफॉर्म्ड जिसने निभाया था एक गुड डीड मीन्स एक अच्छे कार्य को, लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस वह अपनी ऑफिस से देखता रहा। लेंचो शोड नॉट नहीं दिखाया द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सीइंग द मनी मीन्स इस रुपये को देखकर, इस धन को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वह और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने इन रुपयों को गिना, बल्कि वह और भी काफ़ी क्रोधित हो गया जब उसने इन रुपयों को गिना। आगे देखिए, गॉड भगवान कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान एक भी गलती नहीं कर सकता था। नार कुड ही हैव डिनाइड, और न तो कुड ही हैव डिनाइड, वह इनकार कर सकता था। लेंचो मीन्स लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने मांगा था। इमीडिएटली तुरंत, लेंचो वेंट अप, लेंचो ऊपर गया। टू द विंडो मीन्स खिड़की पर, टू आस फार मीन्स मांगने के लिए, पेपर एंड इंक में स्याही और कागज, तुरंत लेंचो जो है खिड़की पर ऊपर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनता के लिखने के मेज पर, ही स्टार्टेड, उसने प्रारंभ किया टू राइट मीन्स लिखना। विथ मच ब्रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को बहुत काफ़ी सिकोड़ते हुए। कार्ड वाइज, इसका कारण था। द इफोर्ट मीन्स वह प्रयास। ही हैड टू मेक, जिसको उसे बनाना था। टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए। हिज आइडियाज मीन्स अपने विचारों को, जिसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बनाना था। उसी का कारण था कि वह अपने भावों को बहुत काफ़ी सिकोड़ कर लिख रहा था। When he finished, जब उसने समाप्त कर लिया। He went to the window, वह खिड़की पर गया। To buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए। Which means, जिसे। He licked, वह चाटा। And then, और तब। Affixed means, चिपका दिया। To the envelope means, लिफाफे के ऊपर। With a blow means, एक प्रहार से। आप his fist means, अपने मुक्के के प्रहार से उसे चाट कर वह लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। आगे देखिए, द मोमेंट, इसी क्षण। द लेटर फेल इन टू द मेल बाक्स, या पत्र इस मेल बाक्स यानी पत्र पेटिका में पड़ा। द पोस्ट मास्टर वेंट, या पोस्ट मास्टर गया। टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। इट सेड, इसमें लिखा था यानी कि, या कहा यानी कि इसमें लिखा था। गॉड भगवान, आप द मनी, वह रुपया। दैट, जिसे। आई आस्क्ड फॉर, मैं मांगा था। ओनली 70 pesos, केवल 70 pesos। रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचा। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए मुझे भेजो। सिंस, क्योंकि। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। इट मीन्स, इसकी। वेरी मच मीन्स, बहुत अधिक। बाकी धन को मेरे पास भेजो, मेरे पास केवल 70 pesos पहुंचा है। बाकी को मेरे पास भेजो, क्योंकि मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ही काफ़ी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना। टू मी मीन्स, मेरे पास। थ्रू द मेल मीन्स, डाक द्वारा। इसे मेरे पास डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि। द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग। आर बंच ऑफ क्रुक्स, आर मीन्स हैं, बंच मीन्स झुंड, ऑफ क्रुक्स मीन्स बेईमानों के, क्योंकि ये लोग कर्मचारी लोग जो हैं ये बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो ने अपना नीचे हस्ताक्षर कर दिया। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये लेसन अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। एक एक शब्द का अर्थ आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत छोड़िए, और इसे शेयर भी करिए, जिससे आपके सभी मित्रों का, भाइयों का, बहनों का, सबका भला हो सके। धन्यवाद।